अब देखते हैं इसका जो मेन काम है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो चलते हैं बाहर और फिल करके देखते हैं टायर में हवा, या एक्चुअल में टायर में हवा भर पा रहा है नहीं भर पा रहा है, और भर पा रहा है तो कितनी देर में भर पा रहा है, ये चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। हम आ गए हैं बाहर गाड़ी में, और जो सॉकेट है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको प्लग कर दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखें कि जब आप सॉकेट में प्लग कर रहे हैं तो गाड़ी को स्टार्ट कर लें, इससे होगा ये कि आपकी जो बैटरी है वो कभी भी डाउन नहीं होगी। वैसे तो हमें ज़्यादा देर इसको यूज़ नहीं करना है गाड़ी में, बस मतलब जस्ट एक एक टायर में हवा फिल करके देखेंगे, बट फिर भी एज अ प्रिकॉशन गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बैटरी डाउन ना हो। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे प्लग करूँगा इस सॉकेट को, जो ये सॉकेट दिया हुआ है इसको प्लग कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लग किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। और इस वायर को ओपन करके देख लेते हैं कि ये कितनी दूर तक जाएगा। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखें, जब भी आप इसको यहाँ प्लग कर दें उसके बाद है ना, इसको हमेशा विंडो से निकालें, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ दरवाजे से निकालोगे तो कई बार होता क्या है कि जैसे कि आपने ये बाहर रख दिया इसको और आप दरवाज़ा बंद करोगे तो ये बीच में दब सकता है। तो इसके लिए इसको क्या करो कि विंडो से बाहर निकालो हमेशा। तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा और मैं यहाँ से इसको निकालूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इजीली ये पीछे तक पहुँच गया है। तो आई गेस जो वायर की लेंथ है वो सफिशेंट है। अब ओपन करके देखते हैं कि टायर में प्रेशर कितना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वहाँ पे लगाया तो ये सुई है ये उठ गई है। तो अप्रोक्स ये 31-32 प्रेशर शो कर रहा है। तो मैं थोड़ी हवा को लीक कर देता हूँ ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि एक्चुअल में ये हवा भर रहा है नहीं भर रहा है, क्योंकि अभी तो जो हवा है वो ऑलमोस्ट 32 के पास है। जैसा कि आप देख सकते हो टायर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, मैंने हवा निकाल दी थी। तो अब टायर देख सकते हो अब बिल्कुल बैठ गया है। तो अब एक बार नोजल लगा के देखते हैं अब कितना प्रेशर शो कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पहले 33 था, 20 पहुंच गया। तो अब एयर फिल करके देखते हैं ये कितनी देर में फिल करता है कि नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। PSI तक पहुंच गया प्रेशर। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 34 हो गया है। तो इसको निकाल देते हैं, और इसकी जो होज है काफी बड़ी है। अगर यहाँ नोज़ल नहीं होता और यहाँ होता तो मैं यहाँ पे भी इजीली नोज़ल लगा पाता। तो नोज़ल काफ़ी अच्छा था और स्पीडली इसने भर भी दी, काफ़ी जल्दी इसने हवा फिल कर दी 20 से 34 PSI, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा था। तो मुझे पसंद आया ये वॉशर का टायर इन्फ्लेटर। तो इस वीडियो में था बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब। थैंक यू।